दूसरा गोल कीपर ने और है दूसरा गोल सामने। स्वागत है गाइस एक और नए व्लॉग में, और आज हमारे कॉलेज में आर्मोत्सव है, और जिसका मतलब है कि हमारे कॉलेज का स्पोर्ट्स फेस्ट आ चुका है, और इसलिए आज हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे। और बेसिकली सारे जो कॉम्पिटिशन होते हैं वो एथलेटिक्स के ही कॉम्पिटिशन होते हैं। तो मैं अभी हॉस्टल के यही बालकनी में खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे सामने ग्राउंड है और देखो उधर पे जो ग्राउंड पे इवेंट शुरू हो चुका है। तो मैं अभी जाता हूँ ग्राउंड में, और पार्टिसिपेशन तो अभी बताएंगे किस चीज़ में किया है। तो अभी हॉस्टल से चलते हुए मैं जा रहा हूँ ग्राउंड की तरफ, जहाँ इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सारा MBA का हमारा बैच जो है यहाँ बैठा हुआ है सामने, और पूरा MBA का बैच बहुत खुश हो चुका है, और उस तरफ BBA का बैच बैठा हुआ है। चलो अभी इवेंट शुरू होते हैं, आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ अभी कैमरामैन भी आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं कैमरामैन। तो ये हमारे कैमरामैन है, इनके पास है निकॉन का कैमरा। तो अभी फोटो, तो सारे बच्चे अभी फोटोग्राफ के रेडी हो रहे, सामने फोटोग्राफर है। तो यार मैंने सोचा तुम्हें कि अपने दोस्तों से मिला दूँ। तो मेरे दोस्त जो है इतने बड़े हैं, क्या बताऊँ, और वो मेरे को हमेशा मेरे हॉस्टल में मेरे को साइकिल उधार पे देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे दोस्तों को आप भी दोस्त बनाइए, और ये है मेरे दोस्त। हाय गाइस, ये बात, तो इनके पास साइकिल है, मैं हमेशा इनसे साइकिल उधार ले लेता हूँ। तो अच्छी बात है, शेयरिंग करनी चाहिए ना, क्यों ब्रो? शेयरिंग इज केयरिंग। तो देखो अभी मेरे को अपनी साइकिल देगा, तो चलो इसकी साइकिल पर निकलते हैं। तो यार वैसे नॉर्मल तो मैंने आपको कैंपस टूर कराया हुआ है, तो आज साइकिल में आपको कैंपस टूर कराते हैं। तो चलो निकलते हैं। Let's go. Anupam log. तो पीछे पूरी फैकल्टी बैठी हुई है, और यहाँ हमारा गाइस बैठा हुआ है। तो अभी यहाँ से हम गेट की तरफ जा रहे हैं, और गेट की तरफ जाते ही पूरा कैंपस का टूर आपको दिख जाएगा। मैं इसलिए इतने हल्के से बोल रहा था क्योंकि पूरी फैकल्टी बैठी हुई है, अभी अभी प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है। नाइस। तो ऑलरेडी कैंपस इतना बढ़िया है, और पीछे तो व्यू दिख ही रहा होगा। और सोचो अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं साइकिल में आपको व्यू भी नहीं दिखा पाता। तो आप देख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैंपस। तो 3-4 दिन तक अभी हमारे यही इवेंट चलते रहेंगे, और इवेंट चलते चलते ऐसे हमारे दिन निकलेंगे और हम फ्री है, क्योंकि हम पार्टिसिपेट तो मैंने किया नहीं है। और अभी अभी मेरे को मेरे दोस्त मिले हैं, देखो ये राष्ट्रीय घंटिया, और ये रविंद्र भाई शर्मा था, वो भाग रहा है, चले गया वो। हाँ, तो श्रीनु घंटिया बाहर से आ रहा है, मंदिर जाता है हर शाम, तो ऐसा धार्मिकता भी जरूरी है। मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, अभी तो वैसे भी नवरात्रि चल रही है। भगवान को मानते हैं, उनका नाम नरूटो है, जो आप देख सकते हैं शर्ट पे। देखिए पीछे देखिए आप, देखिए। तो यार सही है, तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्टल जा रहे हैं, और क्या, हॉस्टल में तो वार्डन ने लाइट काट दी है। लाइट काट दिया तो फिर वॉलीबॉल कोर्ट चल जाएंगे वॉलीबॉल खेलने। हाँ। तो जीते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए, है ना गाइस? वॉलीबॉल फैंस प्लीज सब्सक्राइब। ठीक है, कल इनका वॉलीबॉल का मैच है, मैं उसको भी कवर करूंगा बिल्कुल जरूर। तो देखते हैं हमारे श्रीनु भाई जीतते हैं हारते हैं, हम जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे बिल्कुल। अगर आपकी कृपा होगी तो हम पक्का जीतेंगे, बिल्कुल श्योर 100% जीतेंगे। ओके गाइस, चलो फिर गाइस मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर सामने इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, जैसे पता नहीं ये फरवरी के महीने के बाद ये फूल हो गया। देखो इतना मस्त है यहाँ का कैंपस के जो फूल है, और पेड़ तो आए हाय हाय, इनकी बात ही अलग है। तो जब भी आते हैं हम हर शाम यहीं घूमते हैं, और डिनर के बाद हमारा यहीं घूमना चलते रहता है। तो यहाँ से आउट कैंपस का रास्ता हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल शाम को जब भी हम डिनर करने के बाद यहीं वॉक के लिए आते हैं, तो ये मेन गेट है जिससे हम आउट जाते हैं। तो चलो यहाँ से घूमते हैं। तो यार ये हमारा ऑडिटोरियम था जिसमें आग लग गई थी, और ये जल चुका था अंदर से पूरा। उसके बाद हम इस ऑडिटोरियम को कभी यूज़ नहीं कर पाए, और अभी इस बच्चे इसमें घूमने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम था, तो सीधा चलते चलते कभी आपको ऑडिटोरियम भी दिखा देंगे। और अभी तो फ़िलहाल साइकिलिंग का अलग ही मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं तो वैसे वापस आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं एक बार आपको डायरेक्टर रेसिडेंस दिखा दूँ। तो चलो अभी उस तरफ चलते हैं, वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मिल गया तो आपको दिखा देंगे। तो अभी मैं यहाँ से शॉर्टकट ले रहा हूँ, ये है ऑडिटोरियम के आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ से शॉर्टकट लेने के बाद मैं पहुँचूँगा मेन गेट के पास दोबारा,
और मेन गेट के बाद फिर हमारा वहाँ से लेफ्ट साइड डायरेक्टर का रेजिडेंस आएगा। तो चलो पहले मेन गेट ही दिखा देते हैं आपको। ये हमारी सामने की बिल्डिंग, अरे फुल कैंपस में तो अलग ही एनवायरनमेंट रहता है क्योंकि पेड़ ही पेड़ है और आर्मी कॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है सफाई और क्लीनलीनेस एकदम कैंटोनमेंट वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं, क्या थकान लग गई है बताओ साइकिल चला के, पूरे एक महीने बाद साइकिल चला रहे हैं तो थकान तो लगनी है। तो अभी हम पहुंच रहे हैं डायरेक्टर सर के रेजिडेंस के पास और सामने है उनका रेजिडेंस, ये देख सकते हैं आप। तो ये है हमारे डायरेक्टर सर का रेजिडेंस और हमारे रजिस्ट्रार सर का भी रेजिडेंस इसी तरफ है और मेरे वही दोस्त वापस मुझे मिलेंगे अभी। और ये रहे, ओए 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 ओए। तो यार चलो ब्रेक तो लगा लिया, तो अभी देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या देखने को मिलता है, दिखाते हैं आपको। तो यार गाइस मैं अभी मैच देखने खड़ा हूँ और यहाँ पर MBA 18 और BBA 03 सारी BBA इंक्लूड कर सकते हो, सारे सबको इंक्लूड। तो यार अभी मैं मैच देखने खड़ा हूँ, अभी BBA 03 और BBA 04 का मैच चल रहा है। तो ये देखो सामने स्पोर्ट्स के लेके ज्यादा ही खेलते हैं, दर्शक देख सकते हैं आप यहाँ। इनको आपने पहले देखा होगा शायद। हाँ यहाँ हमारे साथ अवंतिका है, ये एंकर है हमारी, तो इन्हें भी आपने पहले देखा होगा। हाँ पहले देखा था ना इन लोगों ने, पहले देखा था वो इंडस्ट्रियल वाले ब्लॉग में। तो चलो अभी मैच ही देख लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं और क्या है। सामने है लियोनेल मेसी और रोनाल्डो ने अच्छा पास दिया अभी एंड फर्नांडेस गोलपोस्ट की तरफ बॉल जा रही है और यहाँ पर अच्छा डिफेंड। रोनाल्डो आगे बढ़ गए और यहाँ पर गोल हो चुका है, रोनाल्डो ने गोल मार दिया है। वाओ ब्यूटीफुल, और एक गोल हो चुका है, गोल तो हो चुका है लेकिन दर्शकों में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। हमारे साथ हमारी एक और दोस्त है, अपना नाम बताइए। हाय आई एम साधना। सो हाँ साधना, अभी गोल पड़ा आप इतने एक्साइटेड तो नहीं लग रहे, आप यहाँ मैच देख रहे हैं बताओ। हमें खाने के लिए नहीं मिला। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इनमें से ये बताओ। हाँ? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इसमें से, रोनाल्डो या मेसी? रोनाल्डो। रोनाल्डो ठीक है। तो आपको पता है अभी गोल पड़ा है, कौन सी टीम का पड़ा है? कौन सी टीम का पड़ा है? तो ये देखो आप ऐसे फैंस यहाँ ये मैच देखने बैठे हुए हैं और ये अवेयर ही नहीं है कि कौन सी टीम का गोल पड़ा, बताओ यार। खैर इनको तो आप जानते हो अरे 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 यार क्या बोलूँ मैं, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है तो चलो आगे देखते हैं। अरे 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 हमारे साथ एक और फैन है और जिनको आप पहले भी मिले हुए हैं, एक तो अपना सुशील भाई है और अनगा। तो आने का अभी अभी गोल पड़ा था, बताओ किसका था वो गोल? नहीं ये देखो ये इसको बिना चश्मे के ये देखो ये ग्राउंड में देख रहे हैं मैच और इनको पता नहीं गोल किसका पड़ा है, बताओ। उसको बिना चश्मे के नहीं देखते। ओके कोई बात नहीं, देखते हैं सबका इंटरव्यू देते हैं। हाँ साक्षी ने देखा होगा, साक्षी आपने तो चश्मा भी पहना है, बताओ किसका गोल पड़ा है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इनमें से? वो तो बाद में डिसाइड होगा। ठीक है चलो अभी अगले स्पोर्ट पे देखेंगे और क्या क्या रिएक्शन मिलता है हमें। तो यार अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और इनको पता है कि गोल किसने मारा, बाकी और को तो पता नहीं था उधर पे जो बैठे थे फैंस। तो ये एकदम फुटबॉल प्लेयर के बिल्कुल एकदम बड़े अच्छे फैंस हैं, बताइए। ठीक है संजय ने गोल किया है आज। अच्छा ठीक है भाई, बढ़िया गोल था। आपका फेवरेट नंबर बताओ, फेवरेट नंबर? ओके ओके ठीक है, तो 48 नंबर पे तो अरे देखो गिर गया। अरे अरे उसका तो कोई नंबर ही नहीं था, गिरा हुआ था। तो चलो
तो यार मैंने सोचा आज आपको अपने वार्डन सर से ही मिला दूँ, तो ये देखो खड़े हैं एकदम देखो कितने एस्थेटिक व्यू के पास खड़े हैं। तो जब भी आप IIMT में एडमिशन लेंगे तो आपको इनसे मिलने का मौका मिलेगा। इज अ कूल पर्सनैलिटी साक्षी। तो नन्हे मुन्ने फैंस भी मैच देख रहे हैं और कुछ नन्हे मुन्ने से बड़े वाले फैन भी मैच देख रहे हैं और स्माइल भी दे रहे हैं। आई हाई। और हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट हैं आशीष, जिनको आप पिछले ब्लॉग में मिले हुए हैं। हाँ तो आशीष, आपका ये चीफ गेस्ट का सफ़र बताइए, आप चीफ गेस्ट कैसे बने? बहुत अच्छा लगा ये, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से, मैं रीजनल नेशनल सब जगह खेल के आ रखा हूँ। कोच और ये हमारे सीनियर कोच हैं बहुत से। हेलो बख्तूश सर, ये बहुत ही प्रोफेशनल है इस गेम के। हाँ लेकिन इन्होंने तो दौलत की बदौलत ये पाया है ये रुतबा, लेकिन आप तो एक किसान थे। आप ये बहुत ही कठिन जर्नी है, इसके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। तो यार हार्डवर्क करते रहना चाहिए, तो आप भी हमारे आशीष भाई की तरह बिल्कुल एक सक्सेस पा सकते हैं और ऐसे चीफ गेस्ट बन के मैच देख सकते हैं सामने से। तो अभी यहाँ पर हैंड हुआ है और प्लेयर ने एम ले लिया है, क्या ये गोल पड़ पाएगा? और यहाँ पर और ये गोल बचा लिया गोलकीपर ने, और ये दूसरा गोल। तो यार बड़ा भाग भाग के मैंने इस गोल को कवर किया है, तो प्लीज ऐसे गोल्स को देख के आप लाइक जरूर करें। तो सब यहाँ अभी फुटबॉल मैच देख रहे हैं और कुछ लोगों का इवेंट कुछ और ही चल रहा है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारी सुरभि जी हैं और हाय, और ये हमारे विनय। तो ये देखो इनका बैडमिंटन अलग ही चल रहा है और इन्होंने अभी तक MBA 19 को रिप्रेजेंट भी नहीं किया किसी भी स्पोर्ट्स में। और देखो डांस दिखा रहे हैं, नाचिए नाचिए, बस ऐसे खुश रहना चाहिए। और आपको बाकी लोगों से मिलाते हैं हमारे गौरव जी। हाय सर। हेलो गाइस। और हमारे साथ निधि, इनको तो आप मिले होंगे हमारे इंडस्ट्रियल विजिट वाले में, ये उस दिन भी भाव खा रही थी लेकिन आज नहीं खा रही। ओके ओके। तो निधि कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है? मैं खेलती ही नहीं हूँ गाइस, मैं नल्ली हूँ, एक नंबर की नल्ली, किसी काम की नहीं हूँ। 100 मीटर रन टग ऑफ वॉर में भी है। निधि कोई स्पोर्ट नहीं खेलती है, मेन बात ये है। हाँ वो लोगों के दिल से खेल के गाइस। तो गाइस सावधान रहे, सतर्क रहे। बच्चों की शटल तोड़ दी इन्होंने, बताओ। मैंने नहीं, वो दीदी ने तोड़ी, वो दीदी ने। तो बड़ा बुरा लगता है यार कि ऐसे अपने दोस्तों की शटल तोड़ दी गई। ठीक है, आप अपना इंस्टाग्राम बता दो ताकि आप कोई रीच आउट कर पाए। ठीक है, तो इनको वायरल भी होना है और इनको इंस्टाग्राम भी नहीं बताना है, ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो इनके इसमें शर्ट में बड़ा अच्छा मैसेज है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। तो गाइस स्टे स्ट्रॉन्ग, वाओ कहाँ से मंगाए जी ये? वो स्पेशल एडिशन है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यार, अच्छा लगा आपसे मिलके भाई जी। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अरे अरे आप तो रिसेंटली RRR को अभी ऑस्कर मिला हुआ है, तो मेरे दोस्तों को उसका कुछ स्टेप आता है तो शायद करके दिखा सकते हैं, तो दिखाओ कुछ अगर आता है तो। नाटो 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 नाट। हाँ बाल भी हिलाते ना, और यही टैलेंट ने हमें ऑस्कर दिलाया है। कल यही हमें ऑस्कर दिलाएंगे, नोबेल प्राइज दिलाएंगे, हमारे देश का भविष्य। अच्छा लगता है अपने देश के भविष्य से मिलने के। हाय भविष्य। हेलो। अरे यार। तो हमारे देश के भविष्य को देख के ये भी थोड़े इंस्पायर हो गए थे, तो इन्होंने भी थोड़ी ट्राई करा, तो अच्छा ही ट्राई किया। वैसे कुछ स्टेप करके दिखो। तुमसे ना हो पाएगा। ये भैया करेंगे, ये भैया करते हैं। ये तो हमारे ट्रैवलर है और इन्होंने बहुत इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को कवर किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे आप इनको जानते होंगे, नाम बताइए इंस्टाग्राम पे। क्लो ग्लोबल गौरव सिसोदिया। गौरव सिसोदिया। हां आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और देखिए इन्होंने इंडिया के कितने स्टेट्स को। अभी थोड़े कंटेंट देना। सबसे बेस्ट आपको कौन सा स्टेट रहा था, सबसे जो बेस्ट जर्नी रही थी? उत्तराखंड एंड साउथ इंडिया में आपका पांडिचेरी।
उत्तराखंड से गाइस, तो ये मेरे लिए अच्छी खबर है। और दूसरा पौंडीचेरी से यहाँ कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, पौंडीचेरी भी चले जाएंगे। तो आइए उत्तराखंड, आइए, मेरा शहर है उत्तराखंड और मेरा स्टेट भी है। तो यार गाइस, अभी मैं आया हूँ वॉलीबॉल कोर्ट में और भाई लोगों को मैंने यहाँ ढूंढ लिया है, क्योंकि मेन ग्राउंड में तो फुटबॉल चल रहा था बड़ा फॉर्मल सा, तो मैंने सोचा अपने भाई लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो पूरा मेरा MBA 19 का बैच यहाँ वॉलीबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर हमारे भाई लोग और मुकेश, अरे मुकेश, तो आप देख सकते हैं इतना अच्छा कोर्ट है, और प्रदीप भाई हमारे, तो बहुत अच्छा कंपटीशन है। और आया बाहर मार दी, तो इस एंगल से मैंने सोचा आपको एक और इनका मैच दिखा दूं। बहुत बढ़िया, यहाँ पर पास दिया और यहाँ पर पार हो चुकी है बॉल, और बना के दिया क्या स्पेस मार पाएंगे, और यहाँ पर स्पेस की पूरी कोशिश। तो वॉलीबॉल कोर्ट के पीछे हमारे मैच का रास्ता भी है, जो कि मेरे सामने ही है, आप देख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है मैच में जाने का। और कैंपस के पीछे आपको एक बास्केटबॉल कोर्ट भी देखने को मिलता है, सामने देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स की सारी अमेनिटीज़ आपको मिलती हैं यहाँ, और आपको जो स्पोर्ट्स खेलना है आप खेल सकते हैं। तो यार इतना सारा कवर कर लिया है, तो कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं और क्या क्या है यहाँ। मैच अभी भी चल ही रहा है और बच्चे लोग अभी मैच देख ही रहे हैं। तो BBA 04 और BBA 03 का मैच स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो टाइम है, तो देखते हैं अभी क्या देखने को मिलता है। अरे यहाँ पर ये BBA की टीम, BBA 03। तो यार अब शाम हो चुकी है और अभी बस ये इवेंट जो है कंक्लूड होने वाला है, और सूरज ढल चुका है, और हमारे साथ सुरेंद्र भाई है और आशीष भाई है। आपके बालों में ना फूल लगा हुआ। अच्छा, मेरे बालों में फूल लगा हुआ, ऐसा इन्होंने बताया। तो कोई इतने केयरिंग कैसे हो सकते हैं भाई, और तुमने तो बताया नहीं मुझे, मुझे कोई और बता रहा है, बताया। ओके तो सुरेंद्र भाई, कैसे हैं आप, क्या 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 लग रहा है मैच देख के आपको? अच्छा लग रहा है और काफी एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कॉलेज में, हमारा अभी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। भाई कितना सट्टा लगा रहा है। और कल हमारी टीम का मैच है टीम सपोर्टिंग। ओके, कल MBA 19 और कौन सी टीम है दूसरी? MBA 18। ठीक है, तो अलग अलग MBAs का मैच होता है, और MBA 18 भैया आपको भी लगाने हैं थोड़े। हाँ, मेरे 3,000 रुपये मेरे भी लगा लीजिए। किस चीज़ में लगाना है, कौन सी टीम? तो ये वो लाल वाली, भैया लाल वाली कौन सी है भैया? BBA 02। अरे हम तो RCB सोचे थे भैया, ये क्या बात है। हमारे अमेरिका के दलाल, आपको गरीब बना सकती है। चलो अच्छा है। तो यार गाइस, अभी मैं आया हूँ अपना ऑडिटोरियम के पास, और मैंने कहा था मैं दिखाऊंगा, तो मैंने सोचा इसी को दिखा लूँ। तो देखो बच्चों ने पत्थर मार मार के इसमें इंडिया का मैप छाप दिया है, कितना क्रिएटिव बच्चे हमारे IIMT के। तो यार गौरव भाई अभी हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो डे स्कॉलर है। तो ये देखो, तो यार आज के तो सारे इवेंट्स कंक्लूड हो चुके हैं, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इवेंट अभी भी आगे चलते रहेंगे, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे और कौन कौन से इवेंट्स होंगे, शायद कल होंगे और परसों होंगे। इस हफ्ते और अगले हफ्ते हमने प्लान किया है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वो सरप्राइज़ है आपके लिए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। एनर्जी लेवल्स तो आज डाउन ही है, क्योंकि सुबह से ही भाग रहे यार, क्लास लेने के बाद ही बना रहा हूँ मैं ये वीडियोस। तो मिलते हैं गाइस एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।